Hi, hello, assalamu alaikum and welcome back to the channel. My name is Amjad Ahmed and you are watching to Extreme Explorer. This is my final video. In this, I will show you my epic journey that we took to reach Kedarkanta summit at an elevation of 12,500 feet. Now the time is 2 a.m. We had some basic breakfast and started from our base camp. We have planned to stop at a tea point which is 2.5 kilometers from the base camp and half the way to summit. This is a very high incline, so our body is forced to take multiple rests within few minutes. Try to carry enough water with you as it is very much required while trekking towards the summit. 1 liter of water costs you 70 rupees at the tea point. Micro spikes must be worn on your shoes after the command given by your trek leader, as it will help you to have a good support while walking on the snow. Our tour operator provided this inclusive of our package, but few companies charge you additional for that. टू एंड हाफ किलोमीटर बाकी है, कितने बज रहे पता नहीं, तो हमें 6:30 से पहले पहुंचना है, जितना भी बाकी है। भीड़ देख रहे हो अभी वो इस पे हजार घंटा के देख रहे हो। अरे 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 आराम से गिर मत जाना। यहाँ पे हर टी पोस्ट पे मतलब चाय 30 रुपए की है। और सीएस 14 क्रॉम्पॉन फ्रेम के में माइक्रोस्पाइक फ्रेम के चलने पर फ्रॉक की दिशा वाला था कर कर तो देखो ये वाह हाँ ओह यहाँ पर ध्यान से वेरी टाइनी रूट ध्यान रखना चाहिए कितना हो sunrise.
So finally we reached the summit. We started at 2 a.m. in the morning and reached the peak by 6:30. It took us some 4.5 hours to reach here. बहुत ही डेंजरस रास्ता था, रात में कुछ नहीं दिख रहा था। टॉर्च आपके पास होगी तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और आप टॉर्च लाना मत भूलना। अगर हेड लैम्प होगा तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। पूरा ट्रैक हमने रात के अंधेरों में किया था। गोप्रो की बैटरी भी डाउन हो गई क्योंकि वहाँ में ठंड के वजह से बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, लेकिन फ़ोन अभी भी कामयाब है तो हमने फ़ोन से ही काफ़ी सारा शूट लिया था। आप पेड़ लगा रहे हो, स्पीड नहीं बढ़ी, और रोको 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 रोको। तो भाई लोग, आपको एक चीज बता दूं कि ये ट्रैक बिल्कुल भी इजी नहीं है। ये एक्चुअल में एडवांस लेवल वाला है। अगर कोई बिगिनर है तो उसको बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको लगेगा कि ये नॉर्मल है, धीरे धीरे मॉडरेट होने लगेगा और धीरे धीरे इतना एडवांस हो जाएगा कि आपको लगेगा कि हमसे नहीं हो पाएगा। बीच में तो मैंने भी हार मान लिया था। आई थॉट कि आई वोंट रीच द समिट, बट स्टिल मैंने ये सोचा कि हम इतना दूर आ गए हैं एंड आई विल ट्राई टू रीच द समिट समहाउ। वहाँ पर ठंड इतना ज़्यादा हो गया था कि टेम्परेचर -18 में पहुंच गया। सो गाइज, अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट।